ट्रैवल विद सुधा चैनल में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग मणिमहेश कैलाश पर्वत की यात्रा के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। मणिमहेश कैलाश पर्वत पंच महा कैलाश पर्वतों में से एक है और द्वापर युग में जब श्री कृष्ण की जन्म हुआ था तब धरती पे जो 33 कोटि देव देवता आए थे वो इस मणिमहेश कैलाश पर्वत पर ही आए थे। तो आइए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि मणिमहेश कैलाश पर्वत की यात्रा कब से शुरू होती है, वहाँ तक हम कैसे पहुँच सकते हैं, यात्रा में आपकी कुल खर्चा कितने होंगे, यात्रा की रजिस्ट्रेशन आप कहाँ से करा सकते हैं, यात्रा के रास्ते में आपकी रहने और खाने की क्या व्यवस्था है, ये सभी बातें जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि यात्रा से जुड़ी हर छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा ज़िले में मणिमहेश कैलाश पर्वत स्थित है। भक्त मानते हैं कि यहाँ पे साक्षात भोलेनाथ विराजमान हैं, इस वजह से दूर दूर से भोलेनाथ के दर्शन के लिए लोग यहाँ पे आते हैं। मार्च से लेके अक्टूबर तक मणिमहेश कैलाश पर्वत की यात्रा में आप जा सकते हैं। अक्टूबर के बाद बर्फ़ गिरने की वजह से रास्ते बंद हो जाते हैं, इसलिए आप अक्टूबर के बाद मणिमहेश की यात्रा में नहीं जा सकते हैं। पर मणिमहेश पर्वत की जो ऑफिशियल यात्रा है वो हर साल जन्माष्टमी के दिन में शुरू होती है और राधाष्टमी तक पूरे 14 दिन तक चलते हैं। इस टाइम मणिमहेश कैलाश पर्वत के पास में जो लेक है उस लेक के किनारे एक मेले लगते हैं और ये मेले को केंद्र करके इस मणिमहेश कैलाश पर्वत की ऑफिशियल यात्रा चलती है। आइए अभी बात करते हैं कि आप मणिमहेश कैलाश पर्वत तक कैसे पहुंच सकते हैं। मणिमहेश कैलाश पर्वत चंबा ज़िले से 87 किलोमीटर दूर में स्थित है और आपको मणिमहेश कैलाश पर्वत तक पहुंचने के लिए सबसे पहले चंबा ज़िले में पहुंचने की ज़रूरत है। आप बाई बस या बाई कार रोड के थ्रू कहीं से भी चंबा ज़िले में पहुंच सकते हैं। चंबा ज़िले की नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है पठानकोट, जो कि पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर में स्थित है। देश के किसी भी हिस्से से आप ट्रेन में पठानकोट तक पहुंच सकते हैं। पठानकोट चंबा ज़िले से 120 किलोमीटर दूर में स्थित है और बस में पठानकोट से 4 से 5 घंटा टाइम लगते हैं आपको चंबा ज़िले में पहुंचने के लिए। बस का किराया लेता है आपका पठानकोट से चंबा ज़िले तक 150 से लेके 180 रुपये। बाई कार में आप 3 से 4 घंटे में पठानकोट से चंबा ज़िले तक पहुंच सकते हैं, जिसमें आपका कार का किराया लग सकता है 1200 से लेके 1400 रुपये। इसके बाद आपको चंबा से भरमौर तक जाना पड़ता है। अगर आप पठानकोट से बाई बस चंबा आ रहे हैं तो आपको चंबा उतरना पड़ता है और चंबा से फिर भरमौर के लिए बस पकड़ना पड़ता है। चंबा से भरमौर 65 किलोमीटर दूर में स्थित है और बस में चंबा से भरमौर पहुंचने में आपको तकरीबन 1.5 से लेकर 2 घंटा टाइम लग सकते हैं। चंबा से भरमौर की बस का किराया 100 से लेकर 120 रुपये तक होते हैं। पर अगर आप प्राइवेट व्हीकल से आ रहे हैं तो आप पठानकोट से डायरेक्ट भरमौर के लिए टैक्सी बुक कर सकते हैं। पठानकोट से भरमौर की टैक्सी का किराया आपका 1700 से लेकर 1800 रुपये तक ले सकते हैं। भरमौर को मणिमहेश कैलाश पर्वत की यात्रा की बेस पॉइंट माना जाता है। भरमौर में भरमौरी देवी की मंदिर स्थित है। कहते हैं कि भरमौरी देवी की मंदिर के दर्शन के बिना मणिमहेश कैलाश पर्वत की यात्रा संपूर्ण मानी नहीं जाती है। इस वजह से ज़्यादातर लोग भरमौर में रात में रुकते हैं और सुबह को भरमौरी देवी की दर्शन करके यात्रा के लिए निकलते हैं। भरमौर में बहुत से होटल, टेंट और लॉज उपलब्ध है। 700 से लेकर 800 रुपए में आपको अच्छे से अच्छा कमरा भरमौर में मिल जाते हैं और सस्ते में आपको 100 से 150 रुपए पर पर्सन का शेयरिंग में टेंट भी भरमौर में आपको उपलब्ध हो जाती है। भरमौर में आप भरमौरी देवी टेंपल के साथ साथ 84 देवी टेंपल के भी दर्शन कर सकते हैं। इसके बाद आपको भरमौर से हर्षल जाना पड़ता है, जो कि 15 किलोमीटर दूर में स्थित है। हर्षल आप भरमौर से बाई बस या टैक्सी जा सकते हैं। भरमौर से हर्षल बस में जाने के लिए आपको 40 से 50 रुपए किराया देना पड़ता है और टैक्सी में आप 300 से 400 रुपए दे के भरमौर से हर्षल पहुंच सकते हैं। आप चाहे तो कटरा से डायरेक्ट हर्षल के लिए टैक्सी बुक कर सकते हैं, लेकिन आपको टैक्सी वालों को बताना पड़ेगा कि आपको रास्ते में भरमौरी देवी टेम्पल के भी दर्शन करवा दें। आइए अभी मणिमहेश यात्रा की रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करते हैं। मणिमहेश यात्रा की रजिस्ट्रेशन आप दो तरीके से करा सकते हैं, एक है ऑनलाइन और दूसरा है ऑफलाइन। ऑफलाइन में मणिमहेश यात्रा की रजिस्ट्रेशन आप भरमौर या फिर हर्षल, ये दो जगह से करा सकते हैं। भरमौर और हर्षल में मणिमहेश यात्रा की
रजिस्ट्रेशन की ऑफलाइन काउंटर स्थित है। ऑफलाइन में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस में से एक डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। ऑनलाइन में आप मनी महेश यात्रा की रजिस्ट्रेशन स्क्रीन पर दिए गए वेबसाइट में क्लिक करके करा सकते हैं। कैसे ऑनलाइन में मनी महेश यात्रा की रजिस्ट्रेशन कराते हैं ये आप ऊपर में आई बटन में क्लिक करके वीडियो में देख सकते हैं। हर्षल में पहुंचने के बाद मनी महेश पर्वत की पैदल यात्रा शुरू होती है जो हर्षल से 13 किलोमीटर दूर में स्थित है और ये रास्ता काफ़ी कठिन और मुश्किल भरी होती है। इस रास्ते में आपको हर्षल से मनी महेश पर्वत के लेक एरिया तक पहुंचने में तकरीबन 8 से 9 घंटे लग जाते हैं पैदल में जाने के लिए। इस रास्ते में जब भी जाए आप अच्छे जूते पहन के आए क्योंकि ये रास्ता काफ़ी कठिन होती है, रास्ते में काफ़ी फिसलन भी होती है। मनी महेश पर्वत के दूसरे पड़ाव है ढेचू जो कि हर्षल से 6 किलोमीटर दूर में स्थित है। ढेचू तक रास्ता फिर भी काफ़ी ठीक है, इस वजह से आप कोशिश करें कि दोपहर से पहले ही आप ढेचू तक पहुंच जाए ताकि आगे के रास्ता आप आराम से अगर चलेंगे तो भी आप शाम से पहले मनी महेश के लेक एरिया तक पहुँच जाएंगे। मनी महेश पर्वत के लेक एरिया में आपको एक रात रुकना पड़ता है क्योंकि भक्त मानते हैं कि उगते हुए सूरज में आप मणि रूपी शिव की दर्शन करते हैं। उगते हुए सूरज की किरणें जब मनी महेश पर्वत के ऊपर पड़ती है तब भगवान भोलेनाथ की साक्षात मणि रूपी रूप की दर्शन हो जाते हैं और ये दर्शन पा के भक्त लोग खुद को धन्य मानते हैं। लेक एरिया में आप 400 से 500 रुपये किराए में शेयरिंग में टेंट ले सकते हैं, इसमें 4 से 5 लोग शेयरिंग में आप रुक सकते हैं। आइए अभी मनी महेश के रास्ते में खाने पीने की व्यवस्था की बात करते हैं। मनी महेश के रास्ते में जगह जगह पे आपको लंगर की सुविधा दिख जाएंगे और लंगर में आपको काफ़ी श्रद्धापूर्वक अच्छे खाने खिलाए जाते हैं रास्ते में। इसके अलावा आपको काफ़ी सारे छोटे बड़े स्टॉल भी मिल जाएंगे लेकिन लंगर के खाने इतने अच्छे हैं कि शायद ही आपको रास्ते से कुछ और खाने की सामान खरीदने की ज़रूरत पड़े। आइए अभी मनी महेश पर्वत के हेलीकॉप्टर सर्विस के सुविधा के बारे में बात करते हैं। मनी महेश पर्वत के हेलीकॉप्टर सर्विसेज की सुविधा भरमौर से उपलब्ध है और भरमौर से आपको ये सुविधा गौरीकुंड तक मिलती है। गौरीकुंड मनी महेश पर्वत के लेक एरिया से 1.5 किलोमीटर दूर में स्थित है और गौरीकुंड से आपको मनी महेश पर्वत के लेक एरिया तक पैदल ही चलना पड़ता है। हेलीकॉप्टर सर्विस की रेट की बात करें तो वन साइडेड हेलीकॉप्टर सर्विस की रेट है 2100 रुपये पर पर्सन करके और अप एंड डाउन रेट है 4200 रुपये पर पर्सन करके। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।